एलएमसी को मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। सोहेल अफजल की बुक है अकाउंटिंग क्लास बीकम पार्ट टू और उसका चैप्टर है इशुएंस ऑफ बोनस शेयर्स एंड राइट शेयर्स। आज हम प्रॉब्लम नंबर 13 सॉल्व करेंगे। असलम कंपनी लिमिटेड विद इशूड कैपिटल ऑफ ₹3 million डिवाइडेड इंटू 3 lakh शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एंड रिजर्व ऑफ ₹1,80,000 1.8 million decides to make a right issue to the shareholders, one share for every one share held. Right shares are issued at 30% premium. All the rights were taken up, required, pass the necessary journal entries and prepare necessary ledger accounts. Shares ki par value hai ₹10, jabki wo राइट इशू हैं वो 30% प्रीमियम पे इशू किए जा रहे हैं। 30% प्रीमियम का मतलब है 10 रुपीज़ वाला शेयर 13 रुपीज़ में इशू किया जा रहा है। हम 10 का 30% लेंगे तो हमारे पास ₹3 आ जाएंगे। इसका मतलब है जो 10 रुपीज़ वाला एक शेयर है वो 13 रुपीज़ में इशू किया जाएगा और जो रेशो है वो एक शेयर के ऊपर एक शेयर राइट इशू किया जाएगा। सबसे पहले हम फिर एंट्री करेंगे बाय सन्ड्री शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट एंड शेयर प्रीमियम अकाउंट क्रेडिट। सन्ड्री शेयर होल्डर्स को हम 13 रुपीज़ से डेबिट करेंगे और हर शेयर के ऊपर एक शेयर है लिहाजा हम 3 lakh को मल्टीप्लाई करेंगे 13 से तो हमारे पास 39 lakh यानी कि 3.9 million रुपीज़ सन्ड्री शेयर होल्डर्स के अकाउंट में जाएंगे और शेयर कैपिटल क्रेडिट होगा 3 million से जबकि शेयर प्रीमियम ₹9 lakh से क्रेडिट होगा। हम इसकी नरेशन लिखेंगे बीइंग द इशुएंस ऑफ राइट शेयर्स टू शेयर होल्डर्स। नेक्स्ट एंट्री होगी जब बैंक में पैसे आएंगे और बैंक में पैसे आएंगे 13 रुपीज़ के हिसाब से लिहाजा हम एंट्री करेंगे बाय बैंक अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री शेयर होल्डर्स अकाउंट क्रेडिट बीइंग अमाउंट रिसीव फ्राम शेयर होल्डर्स। ये इसकी हम नरेशन लिखेंगे 3.9 million debit and 3.9 million credit. अब हम ledger accounts बनाएंगे। सबसे पहले हम sundry shareholders का account बनाएंगे तो sundry shareholders debit हुए थे first entry में और दो चीज़ें credit थी share capital account 3 million से जबकि share premium account credit था 9 lakh से तो इनका total हमारे पास 3.9 million है और credit side पे हम लिखेंगे बैंक क्योंकि सेकेंड एंट्री में सन्ड्री शेयर होल्डर्स क्रेडिट हुए थे बैंक की वजह से 3.9 मिलियन से हमारी डेबिट और क्रेडिट साइड के बैलेंसेस इक्वल हैं। इसके बाद हम शेयर कैपिटल का अकाउंट बनाएंगे बैलेंस ब्रॉट डाउन जो हमारे पास स्टार्ट में बैलेंस है 3 million जबकि राइट शेयर्स जो हैं वो वन शेयर के ऊपर वन शेयर इशू किया जा रहा है एज राइट इशू तो हम वो भी रिकॉर्ड करेंगे। सन्ड्री शेयर होल्डर्स अकाउंट 3 million इनको हम टोटल करेंगे तो हमारे पास 6 million रुपीज़ टोटल आ जाएगा और क्योंकि हमारे पास डेबिट साइड पे कुछ भी नहीं है लिहाजा हम यहाँ पे बैलेंस कैरी डाउन लिखेंगे और ₹6 million ऐड कर देंगे। नेक्स्ट हम अकाउंट बनाएंगे शेयर प्रीमियम का तो शेयर प्रीमियम सबसे पहली एंट्री में क्रेडिट हुआ था सन्ड्री और यहाँ पर हम लिखेंगे क्रेडिट साइड पर सन्ड्री शेयर होल्डर्स ₹6 lakh और टोटल में भी ₹9 lakh रुपीज़ से शेयर प्रीमियम क्रेडिट हुआ था और डेबिट साइड पे हम लिखेंगे बैलेंस कैरी डाउन ₹9 lakh। इसके बाद हम बनाएंगे बैंक का अकाउंट तो बैंक डेबिट हुआ था सेकंड वन एंट्री में सन्ड्री शेयर होल्डर्स ₹3.9 million और टोटल में भी यही आएंगे। क्रेडिट साइड पे हमारे पास कुछ नहीं है लिहाजा हम बैलेंस कैरी डाउन लिखेंगे और 3.9 मिलियन रुपीज़ ऐड कर देंगे। तो इसी के साथ हमारा सवाल कंप्लीट होता है। मज़ीद ऐसे वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल इलम सीखो और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया नाज़रीन।